हाँ पिछले साल मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था और बहुत ज्यादा बढ़ गया था सभी डॉक्टर वगैरह ने बोल दिया था कि छोड़ दे मत कर बॉक्सिंग इसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है मतलब लास्ट बिल्कुल यूं स्टेज हो गई थी फिर मेरी दादी वगैरह ने भी बोला कि छोड़ क्यों दुखी कर रहे हो लड़की को हाँ। एक दो महीने का कोई कंप्यूटर का कोर्स करा दो फिर ब्याह दियो तो इतना गुस्सा आया उस बात पे कि भई ब्याह दियो मैंने इतना टाइम वेस्ट कर रखे इसके ऊपर हाँ। सुबह की नींद और लड़कों के साथ जैसे सर फाइट कराते हैं तो हाँ। उनके के पीछे से सर डंडी मारते हैं वो हाँ। इतना मतलब और इतनी सुबह की नींद जो ठंड में इतनी अच्छी नींद आती है सारी वो और मतलब इतनी मेहनत कर रखी है तो कैसे छोड़ दूँ जब एक चीज़ के अंदर गई तो उससे कुछ लेके ही निकलूंगी बिल्कुल लेकिन मेरे को मीठा पसंद नहीं है अच्छा मतलब जबरदस्ती खिलाड़े हाँ पसंद नहीं है कभी कोई लड्डू डाल देंगे मम्मी कभी कोई मेरे को यूँ खिलाते हैं कि अब ये डब्बा घी का तेरे को खत्म करना है फिर तेरे को ये वाले शूज अब ये वाला अपर दिलवाऊंगी घी का डब्बा खत्म करना है अच्छा यू थोड़ा लालच लालच देखे मत... हाँ काफी बोलते हैं जब मैं बीमार होगी थी जब है काफी पड़ोस में भी बोला करते कि छोटो क्यों दुखी कर रहे हो छोरी को अपने कुछ करवा लो पढ़ लो पढ़ लेगी ब्याह दियो यू कर दियो यूँ कर दियो है काफी है बिल्कुल और गाँव में तो बहुत होते हैं देखने भैया सारे दर्शक ने मधु जागल रोहतक साई मैं फिलहाल मौजूद हूँ जो बॉक्सिंग की साई है और प्रांचित आज हमारे साथ है इंटरनेशनल बॉक्सर है तो पूरी बातचीत करांगे लाइव का बारे में और भाई एक और बात तो मैं इंटरव्यू तकरीबन बहुत सारे मतलब हरियाणा का बहर कवा भाई तो हिंदी में इंटरव्यू करे कर समझ में हिंदी में करो या हरियाणी में तो हमने यार कॉमेंट बॉक्स में जरूर राय देनी है तो प्रांचित धनखड़ से बातचीत करें सबसे पहले राम 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 कैसे हो ठीक हो फिटनेस कैसी चल रही है अच्छी चल रही है अच्छा मतलब बॉक्सिंग लाइन में कैसे इंटरेस्ट कैसे आना हो आपका मैं बस पहले जिमनास्टिक में जाया करती एक डेढ़ साल मैंने जिमनास्टिक करा है तो उसमें ज़्यादा क्रेज नहीं था वहाँ पे जो कोच थी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कराती कभी सुबह करा देती कभी शा, कभी शाम को करा देती तो ऐसे ही बस मेरे पापा ने बोला कि बॉक्सिंग करा कर बॉक्सिंग में ऐसे ही चली जाया कर तो पता नहीं था कभी मेडल भी आ जाएगा अच्छा, ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था बस बॉक्सिंग मतलब कौन सी क्लास में थे जब बॉक्सिंग में स्टार्ट करे इससे पहले जो करते थे वो कितनी एज में स्टार्ट किया था सेवन क्लास में थी जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी तो 2017 में स्टार्ट करी थी मैंने बॉक्सिंग अच्छा। तीन महीने हो गए थे मेरे को जब मैं पहले स्टेट खेली फिर मेरा स्टेट में सिल्वर आ गया तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होती रही फिर एक साल हो गया जब मैंने नेशनल खेला एक ट्रायल थी वो ट्रायल ट्रायल के बेस पे मेरा नेशनल में हुआ तो उसमें गोल्ड आया था मेरा अच्छा सब जूनियर में नेशनल में नागपुर मतलब जैसे सीख मिले है भाई उसकी जैसा बनो मैं किसके किस तरह के सीख मिली जो इंटरनेशनल बॉक्स हो या मतलब किस तरह जाके इंटरेस्ट बने आपका ऐसा तो कोई नहीं है कि हाँ जिसको देख के बनाओ बस मेरी मम्मी मेरे पीछे मेहनत ज़्यादा करती हैं अब भी जैसे मैं साई में हूँ तो पहले तो मिलता नहीं था नारियल पानी वगैरह हाँ। तो मेरी मम्मी नारियल पानी का कट्टा भी रखवा के जाया करती है यहाँ पे मेरे रूम में हाँ। अब तो नारियल पानी वगैरह मिलता है तो अब घर का दूध वगैरह बेचती है मेरे लिए मुनक्का पानी बेचती है एक अंकल है मेरे हाँ। तो वो अपने लड़के की प्रैक्टिस करवाने आते हैं बाई की तो उन उनको दे देती हैं वो लेके आते हैं मेरे लिए रोज़ कभी चाप कभी मुनक्का पानी कभी दूध बिल्कुल अच्छा जब पहले स्टेट खेले थे किस किस गला मैच था अपना डिस्ट्रिक खेले थे आप मैं जज्जर से ही खेली थी पहला मैच मेरा रोहतक के साथ था फिर सोनीपत के साथ पानीपत के साथ यही मैच थे पांच मैच थे टोटल तो फाइनल हार गई थी मैं मतलब कोई फेमस चेहरा भी था मतलब स्टेट की बात कर रहा था जो आज का टाइम इंटरनेशनल हो या मतलब कोई जॉब पो उनमें तो चेहरा हाँ जो पहली स्टेट थी उसमें नहीं है लेकिन बाद में जो स्टेट खेलनी है वो काफ़ी मतलब वर्ल्ड चैम्पियन इंटरनेशनल चैम्पियन है काफी एशियन चैम्पियन है उनसे भी जीतती हूँ मैं अच्छा मतलब नमस्ते मैं विशाली चौधरी कबड्डी प्लेयर मेरी फिटनेस का राज स्वर्ण आयुर्वेदा है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग स्वर्ण आयुर्वेदा का यूज करें ताकि आप अपनी स्पीड स्टेमिना और जो इंजरीज होती है उनसे बच सके जो ये फैक्ट्री है वो रोहतक के अंदर है मैं इधर खुद आई हूँ हर चीज देखी है सब अच्छा है और ऑनलाइन का भी है आप घर बैठे से मंगवा भी सकते हैं नीचे नंबर मेंशन किया है आप इस पर कॉन्टेक्ट करें और अपना स्टेमिना स्ट्रेंथ का ध्यान रखें मतलब तो जो अपना डाइट प्लान है वो क्या है सुबह से गए शाम तक का जो अपना वेट कंट्रोल रखना पड़ा है मैं उठ के मुनका पानी पीती हूँ हाँ। कभी कभी मेरी मम्मी भेज दें सुबह हाँ। भाई ट्रेनिंग करने आता है या हाँ। फिर कभी खुद बनवा लेती हूँ फिर एक केला वगैरह खा जाऊँ ट्रेनिंग के बीच में नींबू पानी या इलेक्ट्रोल का पानी फिर ट्रेनिंग के बाद जैसे यहाँ ब्रेकफास्ट करके और मेरी मम्मी ने अब तो खोए के लड्डू डलवा रखे लड्डू लड्डू खा के फिर सो जाती हूँ फिर उठ के लंच वगैरह बस फिर जूस वगैरह का भी शेक पी लू ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में नींबू पानी पी लूँ नारियल पानी पी लूँ बिल्कुल बस फिर शाम को डिनर बिल्कुल जैसे मीठा मतलब स्पोर्ट्स में बहुत कम खाया है मतलब अपना वेट कंट्रोल रखना पड़ा है लेकिन आप फिर भी मीठा खाओ मेरे को तो वेट बढ़ाना ही है लेकिन मेरे को मीठा पसंद नहीं है अच्छा मतलब जबरदस्ती खिलाड़े हाँ पसंद नहीं है कभी कोई लड्डू डाल देंगे मम्मी कभी कोई से मेरे को यूँ खिलाते कि अब ये डब्बा घी का तेरे को खत्म करना है फिर तेरे को ये वाले शूज दिलाऊंगे अब ये वाला अपर दिलवाऊंगे घी का डब्बा खत्म करना है अच्छा यू थोड़ा लालच लालच देखे मतलब लालच में फिर आप भी खाए जाओ मैंने जूते मिलेगा मैंने ट्रैक सूट मिलेगा मैंने यहाँ चीज मिलेगी मैंने आईफोन मिलेगा इनकी उसमें आप खाना लागे रहे हो लेकिन मतलब जो मतलब प्लेयर बना खुद का इंटरेस्ट तो है खाया नहीं जाता मतलब पसंद नहीं पसंद है अच्छा, बाहर मतलब का मतलब सही पसंद है दूध पी लूंगी बहुत ज्यादा मतलब कितना भी पिला लो हाँ। और दही वगैरह घी ये सब खा लेती हूँ लेकिन फिर भी जब कोई चीज मिल रही है तो फिर चीज ले लू बिल्कुल

इतनी अच्छा उनका गेम है तो मेरे को पसंद ही नहीं खाना बिल्कुल अच्छा स्टेट के बाद मतलब कौन सी नेशनल खेले थे कौन सा मेडल आया था आपका मेरी नेशनल में तीन गोल्ड हैं एक सिल्वर है एक ब्रॉन्ज है और एशियन में एक ब्रॉन्ज है इंटरनेशनल में गोल्ड है अच्छा मतलब बेस्ट थी मतलब जैसे बहुत सारे लड़कियों की बात करा तकरीबन बॉक्सिंग मार को इंटरनेशनल हो जाए मतलब के कुछ है जो एशियन गेम मान्या जाए या मतलब इसमें सबसे ज्यादा वालों कौन सी उसकी है कौन सा मेडल की है सीनियर के मेडल की है वैल्यू तो यूथ जूनियर तो बस ऐसे ही थोड़ा बच्चे को मोटिवेट करने के लिए होते हैं बाकी सीनियर की है वैल्यू तो बिल्कुल अच्छा, अच्छा 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 अपना कौन कौन सा है कलोई कलोई सूरा मतलब फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा आपने? मेरी मम्मी ही करती हैं सबसे ज्यादा सपोर्ट तो बाकी मेरे मौसी और ताऊ जी और एक अंकल है मेरे हाँ। मतलब उन्होंने मतलब बेटी बना रखी मैं वैसे सतपाल अंकल वो बहुत ज्यादा मेरे पीछे ध्यान देते हैं बहुत ज्यादा बिल्कुल अच्छा जो मतलब आजकल बॉक्सर मतलब जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ओलंपिक भी बात करा किश्ती देख के ज़्यादा मोटिवेट हो भाई मैं मतलब तो इस किसके लिए मैंने बढ़िया लग गई है इस किसी स्किल सीखना चाहूंगा जैसमीन बॉक्सर है एक सिक्सटी के जी में उसका गेम अच्छा है मतलब दूर दूर से लंबा खेलती है वो अच्छा खेलती है उसका गेम पसंद है अच्छा मतलब जैसे यहाँ और इनका कौन ही मतलब है? वो बड़े वेट की उनका अलग टेक्निक होती है हाँ। एक थोड़ा मैं जैसे दूर दूर से खेलती हूँ लंबे का गेम है वैसे ही मतलब अच्छा मतलब इंजरी हुआ जो गेम काीवर में इन्फेक्शन हो गया था और बहुत ज्यादा बढ़ गया था सभी डॉक्टर वगैरह ने बोल दिया था कि छोड़ दे मत कर बॉक्सिंग इसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है मतलब लास्ट बिल्कुल यू स्टेज हो गई हाँ, थी फिर मेरी दादी वगैरह ने भी बोला कि छोड़ क्यों दुखी कर रहे हो लड़की को एक दो महीने का कोई कंप्यूटर का कोर्स करा दो फिर ब्याह दियो तो इतना गुस्सा आया उस बात पे कि भाई ब्याह दियो मैंने इतना टाइम वेस्ट कर रखे इसके ऊपर हाँ। सुबह की नींद और लड़कों के साथ जैसे सर फाइट कराते हैं तो हाँ। उनके मुके पीछे से सर डंडी मारते हैं वो हाँ। इतना मतलब और इतनी सुबह की नींद जो ठंड में इतनी अच्छी नींद आती है सारी वो और मतलब इतनी मेहनत कर रखी है तो कैसे छोड़ दूँ जब एक चीज के अंदर घुस गई तो उससे कुछ लेके ही निकलूँगी बिल्कुल मतलब टोटल अपना छः सात साल होगी इस लाइन में हाँ छः सात साल हो तो मतलब जैसे मतलब आपका काफी मेडल लगे को गेम मतलब जॉब वगैरह की ट्राई को नहीं करी नहीं अभी जॉब का कुछ सोचा ही नहीं है अभी तीन चार साल बाद ही देखेंगे मतलब कौन सी जॉब पसंद रेलवे मतलब कौन सी बी एस एफ आई टी पी सी आर पी एफ सारी जॉब अच्छी है मेडल बड़ा हो तो फिर बड़ी जॉब लेने की वो है अच्छा मतलब फैमिली स्थिति किसी अपनी नॉर्मल है या मतलब बढ़िया जगाड़ है या मतलब कोई जॉब वगैरह है या मतलब किसान फैमिली से बिलोंग करो नहीं ठीक है मेरी मम्मी पुलिस में है पापा का खुद का बिजनेस है अच्छा तो मतलब आप इसी कारण मतलब छोटी मोटी जॉब पसंद को नहीं करे, लगे ना मतलब कोई इंटरेस्ट आपका शायद इस चीज़ में नहीं नहीं इंटरेस्ट की बात नहीं है एक मतलब है बस मन की एक तो तो थोड़ी छोटी तो सब कोई मिल जाती है गेम करके एक मतलब लास्ट में मतलब इंटरेस्ट को नहीं भाई मतलब जो करे बहुत सारे मतलब है इंटरनेशनल बुक्स रहे रेलवे की पसंद है जैसे रेलवे में मेडल देने के बाद इनसे पैंस घर आ रहे इसी को नहीं सोची

है और वेट फिट के जी बिल्कुल अच्छा, इसमें रनिंग ज्यादा करनी पड़े जिम ज्यादा करनी पड़े ज्यादा करनी पड़े वो बताओ पर ऊपर सुबह तलेगा शाम तक का या मतलब पूरा हफ्ता का ही बता सको आप आ, रनिंग अपने ऊपर है रनिंग स्टेमिने के लिए कंटिन्यू कर कर ले मतलब मेरे को तो रनिंग ठीक ठीक लगती है बाकी बॉक्सिंग का जो ग्लव्स ट्रेनिंग होती है वो ज्यादा करती हूँ मतलब जो अगर आप करना हुआ है मतलब जिसकी फाइट खेला तकरीबन दो तीन किलो तो वो कम करना हुआ है कदम मतलब वेट में जो अगर आपको बीच में डिस्टर्ब कर दे गुस्सा उठा है आपको उठा है या नहीं उठा है जो अगर प्रैक्टिस करके आया और अपना मैं कह दें यू काम कर देना हाँ जैसे मैं अपने जज्जर स्टेडियम में ट्रेनिंग करती हूँ हिते सर के पास तो वो काफ़ी ट्रेनिंग कराते बहुत ज़्यादा सुबह पाँच बजे से लेके आठ बजे तक कभी कभी साढ़े आठ भी बजा दे और फिर शाम को भी इतनी चार से साढ़े सात आठ तो फिर

अभी तो आ रखी हूँ एनबीए में बाकी सर के पास ही करती हूँ मेरे सर कजाकिस्तान जा रखे हैं टूर पे तो वरना उनके पास ही करती हूँ मतलब फिर साई में सिलेक्शन को करो या करता के के गेम ट्रायल थी या मतलब स्टेट नेशनल में संपर्क Uh, साई में जो मेरी पहली नेशनल थी जिसमें गोल्ड आया था उसी के फॉर्म वगैरह निकले थे उसमें जैसे भरना था एन बी ए बरना है या फिर बेंगलोर करनी है जे एस डब्ल्यू में या फिर मणिपुर करनी है तो उसमें एन बी ए का करा था बिल्कुल अच्छा सबसे ज़्यादा कंपटीशन कितना वेट में बॉक्सिंग की बात करा लड़के या लड़के दोनों का बता सको अब तो सारे वेटों में कंपटीशन है नहीं मतलब सबसे ज्यादा जुग ओलंपिक की बात करा कौन समय ज्यादा है इसकी कुश्ती की बात कर करेंतावन किलो में बहुत ज्यादा कंपटीशन है बजरंग पुनिया भी हो भी, भी आ गया बहुत सारे है छोटे इनमें अच्छा। इन अच्छा। इन सारी मतलब यू ही टक्कर की बाउट है। अच्छा जैसे मतलब नेशनल भी खेले इंटरनेशनल भी खेले को मतलब आए है या को नहीं आए नहीं मतलब देखा ही नहीं एक बार रेलवे का आया था तो फिर उसमें करानी अच्छा मतलब जो नए चेहरे जो लड़कियां मतलब गेम आना चाह वो में किसी भी गेम की बात करा आना चाहिए नहीं आना चाहिए लड़कियाँ की बात करा हाँ आना चाहिए सेल्फ डिफेंस आए उससे काफी चीजें आती हैं मतलब खुद का बचाव भी हो और अब तो मेहनत करें तो अच्छे मेडल भी आते हैं प्राइज मनी भी अच्छी मिलती है जॉब भी मिलती है सारी चीजें बिल्कुल अच्छा अपना सपना क्या है मतलब लाइफ का भाई मैं तो इस लेवल तक पहुँचना चाहूंगा बस मेरी मम्मी पापा खुश रहे मैं इस लेवल पे मतलब मेरी मम्मी है कि हाँ मैं इस लेवल पे हूँ कि मतलब देश को गोल्ड मेडल दे ओलंपिक तक का सपना है या मतलब अर्जुन अवार्ड द्रोणाचार्य अवार्ड हाँ मतलब अर, अर्जुन अवार्ड बिल्कुल अच्छा जो कर पहलवान धरना दे रहे थे कुश्ती में बात करा काफी धरना दे या इस बॉक्सिंग लाइन में भी यह चीज़ है या नहीं है नहीं मेरे मैंने तो देखी नहीं कभी ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਜੁਗਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲ ਜਾਈ ਸਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਬੌਕਸਿੰਗ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਮੈਂ ਆਣਾ ਚਾਹਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋਏ ਹਮੇ ਟਾਂਕ ਖਿੰਚੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਤਨੇ ਅੜ ਤੜ ਵਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਏ ਬਸਣ ਮੰਦਣੇ ਸਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੜੋਸ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾ ਕਰਤੇ ਕਿ ਛੋਟੋ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਰੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲੋ ਪੜ ਲੋ ਪੜ ਲੇਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀਓ यूं ਕਰ ਦਿਓ यूं ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ और गाँव में तो बहुत होते हैं कई बार अपने रिश्तेदार सांटा में है कहीं भी बोल देते हैं। उसका मेडल आ गया तो फिर अपने को फिर वो तो यू कर रही है यू है ऐसी लड़की है वैसी है जब मेडल नहीं आता तो ज्यादा बोल देते है बिल्कुल मेडल आए तो फिर भी बोल देंगे कि हाँ मेहनत करा करती लड़की अच्छा मतलब जो अपनी पढ़ाई लिखाई कड़ा तक होगी आ, अभी बी एस सी फर्स्ट ईयर में हूँ पढ़ाई का मामला में किसे हो मतलब नॉर्मल हो या मतलब बढ़िया हो ठीक हूँ नॉर्मल हो जो कुछ स्पोर्ट्स मैन हो फिर पढ़ाई में मतलब आगे क्या करना चाहो पढ़ाई का तो बस गेम पे ही है अभी तो बस एडमिशन ले रखा है पेपर वगैरह दे दूंगी अच्छा मतलब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वगैरह कोई नहीं खेली फिर आपने अभी हुई हूँ मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में हूँ बी अच्छा अच्छा तो भाई खड़ खड़के अपना विचार जाने जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं वीडियो ने शेयर कर दियो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान